नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप आपके लिए अनदर वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 7,500 तक निफ्टी आने वाले 2 से 3 महीने में लगभग 7,500 तक टच करेगा, फिर से ये अपना जो लेटेस्ट बॉटम जो बना है वो फिर से तोड़ेगा। हालांकि मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, वो बहुत कॉन्फिडेंटली करूँगा, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक अभी एक कोरा कागज और एक पेन लेके उस पर लिख दियो कि 7,500 टच करना ही करना है उसको। ठीक है दोस्तों, मैं अभी शुरुआत करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि आने अभी लास्ट जो वीक गया ना, उसमें किस तरीके का कारोबार हो चुका है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, काफ़ी बड़े बड़े निफ्टी लगभग आपको पता ही है 6% ऊपर बंद हुआ है, 6% तेजी के साथ बंद हुआ है, 5.86% है कुछ ऑलमोस्ट। और बैंक निफ्टी जो है वो भी, उसका भी महारथी, वो 9% ऊपर करके बंद हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो तेजी है, उसके अलावा अगर आपने FIs का बाइंग देखा है, FIs का जैसे ही बाइंग आ जाता है ना, वैसे FIs का जो स्टार्ट वीक ऑफ द बाइंग जो था ना, वो फ्राइडे को देखा आपने, फ्राइडे में उतना बाइंग नहीं था उसमें। और अगर FIs और DIs का, इन लोग का दोनों का कॉम्बिनेशन देखा आपने, एक दूसरे को बड़ा अच्छी अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं लोग, एक दूसरे को असिस्ट करके ही ये लोग, अब जब FIs बाइंग में आ गया, वैसे DIs थोड़ा 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 सेलिंग कर रहे हैं। इन दोनों ने जो है ना, इन दोनों ने रिटेलर को जो क्या बोलते हैं उसको, रिटेलर को जो है ना मछली पकड़ने वाला जाल बिछा के रखा है इन लोगों ने। इस तरीके से ही ये लोग है ना मार्केट धीरे 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 करके लेके जाएंगे। हम लोग सारे रिटेलर देखते देखते बौखला जाएंगे, बोले यार ये तो क्या हो रहा है यार, अब तो ये ऊपर जा रहा है, 11,000 तक जा रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि ये 7,500 क्या बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, क्या बेसिस पे मुझे लग रहा है ये मार्केट, और इसके हिसाब से मैं आपको पूरा टोटली बता दूंगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों हो सकता है। अभी आपने देखा है रिसेंटली क्या चल रहा है अभी इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, समझ पा रहे हो अब क्या चल रहा है? इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है अभी, चाइनीज जो ट्रूप्स है ना वो अपने इंडियन बाउंड्री में आ गया। बट ठीक है, अब ये मीडिया में इतना बड़ा लेवल पे बताया नहीं जा रहा है, हालांकि क्यों नहीं बताया जा रहा है उसके पीछे भी बड़ी षड्यंत्र होता है, ठीक है, वो एक चीज़ नहीं बताया जा रहा है। उसके अलावा आपको पता है कोरोना केसेस जो है ना, वो करीबन 63,000 केसेस जो है ना, हम लोगों ने लास्ट वीक में ना ऑलमोस्ट ऐड कर दिए है। 63,000 क्या बोलते हैं, अभी कुछ टाइम में तो हम लोग टॉप पे आ जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, समझ रहे। कोरोना केसेस के जो नंबर्स है ना, अभी भी कोई सही सलामत नहीं है, वो बढ़े जा रहे। इसके अलावा मैं और एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपने जो मूडीज़ का रिसेंटली रिपोर्ट देखा, मीडिया ये आपको चीज़ नहीं बताएगी, रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ो आप तो पता चले आपको, इन लोगों ने जो है ना निगेटिव आउटलुक दिया है, निगेटिव डाउनवर्ड रेटिंग दिया है इंडिया के इकोनॉमी को, डाउनवर्ड रेटिंग दिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना वो बड़े ख़राब बताए गए हैं, ठीक है। अब अगर बताओ, अगर रेटिंग डाउन की गई है तो आपको इंडियन गवर्नमेंट जब बाहर से लोन लेगी तो उनको कितने मुश्किलें आएगी पता है आपको, लोन लेने में, और कितने बड़े हाई इंटरेस्ट में लेना होगा ये भी पता है आपको। इन लोग के जो बॉन्ड्स निकालेंगे ना, वो बॉन्ड्स कोई लेगा कि नहीं, वो भी ध्यान में रखियो। तो ये जो है ना मीडिया ने, और ये जो बिग बॉयज बोलो या स्मार्ट मनी मने, स्मार्ट मनी इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर जो भी बोलो, ऑपरेटर बोल लो, सबसे बढ़िया जो है ना ऑपरेटर बोल लो, ऑपरेटर और मीडिया लोगों ने ना पूरा प्लान करके रख दिया है कि कैसे भी करके करीबन 10,000-11,000 के लपेट में सारे रिटेलर को लेना है, बस वहीं से जो है वहीं लास्ट टॉप बनाएंगे लोग। अब मेरा जो यकीन मानूँ तो, क्योंकि आने वाले जो टाइम में है ना, आप बताओ अभी इन लोगों ने जो मेकअप करके बताया आपको कि देखो ऐसा हो रहा है, कितना अच्छा चीज़ हो रहा है, पूरा इकोनॉमी ओपन हो रहा है, इकोनॉमी ओपन होने के बाद ये चीज़ हो रहा है, बहुत सारे चीज़ बताएं। अब बताओ कोई ये बताओ, अभी आप गए थे ऑलरेडी क्वार्टरली रिजल्ट गए, इसके बाद अभी जो नए क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे जुलाई के स्टार्ट में या स्टार्ट, उसमें क्या होगा, उसमें क्या बताएंगे लोग, कुछ भी नहीं बताएंगे। ये लोग है ना पूरा मेकअप करके आपको बता रहे, पूरा का पूरा मेकअप बता रहे। अब बताओ मेकअप और विदाउट मेकअप में फ़र्क होता है कि नहीं, आप समझ रहे हो? आपको अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट में लिखो कि हाँ समझ में आ रहा है मुझे, और ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को अभी के अभी, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ टोटली। आपने कुछ टाइम पहले ये भी देखा होगा कि मीडिया में राखी झुंझुनवाला जी आ गए,
उनको पूछा कि आपको मार्केट कैसे लग रहा है, मीडिया ने पूछा, मीडिया बोल राकेश जी बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अगर मैं आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन लॉन्ग टर्म मार्केट, ऐसे कमेंट दे देते हैं। अभी काफ़ी सारे दो चार इंटरव्यू ऐसे लगा दिए ना कंटिन्यूसली ये जो आपके मीडिया में, तो आप तो पता चल गए सारे रिटेलर कूद जाएंगे, बाय करो बाय करो बाय करो। तो ये जो पूरा चीज़ है ना वो आपको समझना है कि ये पूरा है, ये इन लोग का चाल है, समझ रहे हो। अभी तो आने वाली है ना, अभी पिक्चर बड़ा बाकी है। आपको अभी अगर पता रहेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट अब तक आना बाकी है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट में 3 महीने में से आप बताओ आईटी कंपनी के अलावा वर्क फ्रॉम होम कहाँ पे सक्सेस है। अब फैक्ट्रीज खुली कुछ क्या, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज भी खुल ली और उसके बाद वो चली पड़ी क्या, खुली वो सब आपको मीडिया में पता चल रहा है, बट चली क्या, क्योंकि काफ़ी सारे कोरोना केसेस आने के बाद उन लोगों ने शटर भी लगवा दिए, तो ये चीज़ तो कोई बताता नहीं। अब मेरी बात ही कर लो, कल परसों में मेरी बात हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ, उन्होंने बताया कि भाई मैं तो लोन बैंक के पास लोन के लिए गया था, उन्होंने सारा मेरे से साइन कर लिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सब रेडी हो गया, बट ये लोग पास नहीं करवा रहे। अब बताओ भैया पास क्यों कराएंगे, बैंक को ही खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है पैसा देने में। अगर पैसा दे भी दिया तो आप कहाँ से उसको चुकाओगे, उसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से चुकाओगे, उसका इंस्टॉलमेंट है वो कहाँ से चुकाओगे। उन लोग भी है ना कहीं पैनिक हो गए अंदर से, समझ रहे, इसीलिए तो पैसा नहीं दे रहे आपसे। सा आप भी ट्राई कर लेना, अगर आपको लगता है ना आप भी ट्राई कर लेना, कमेंट में लिख देना कि आने वाले टाइम में ना आप भी जाइए बैंक में और वहाँ पे ना अप्लाई करिए, ये सारे लोन्स सब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगे, बट MOU पे ना वो साइन ही नहीं करेंगे, ध्यान में रखिए। फिर और एक बता दो आपको एक किस्सा, अपना मेरा जो फ्रेंड है ना उसके कुछ फ्रेंड्स, उसके जो करीबन जो रिलेटिव है ना उनका देहांत हुआ था, वो बंदा वहाँ पे जा नहीं पाया। आप बताओ अभी ऐसा कभी हुआ था गए 50-60 साल में, 100 साल में पकड़ लियो, कभी हुआ था ऐसे? अभी ऐसा जो चीज़ें हो रही है तो इसी के वजह से तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो सारे चक्कर में है, ये मार्केट क्यों नहीं 7,500 टच हो सकता है, आना ही आना है इस मार्केट को। आप तो मैंने बोला हूँ मार्केट के शुरुआत के अपने वीडियो के शुरुआत में ही बोला हूँ 7,500 है ना, कैसे भी करके लिख लियो आप, ठीक है। अब आपको इसी के साथ मैं बताता हूँ कि मैं तो करीबन 7,500 के पास ही पैसा लगाना चालू करूँगा इस मार्केट में, तब तक जो है मेरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला जो ट्रेड है वो मैं ऑप्शन में बना रहता हूँ, इक्विटी में बना रहता हूँ, सब में मेरा जो ट्रेड होते रहता है। बस मैं आपको बताऊं कि आपको आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको कब पैसे लगाने, समझ रहे हो। इनका जो है ना पूरी तरीके से है ना पूरा ये हो चुका है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं, मिलते हैं इस वीडियो पे, फिर से मैं बात करूंगा। और दोस्तों और एक स्पेशली आपके लिए एक अनदर वीडियो मैंने आपके लिए बताता हूँ, अनाउंसमेंट है कि मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो है ना मैं डेली ब्लॉग लिखता हूँ, वो डेली ब्लॉग है ना मैं blogspot.com पे ना वहाँ पे पब्लिश करता हूँ हर रोज़, पूरा का पूरा मार्केट का जो भी है ना, अगर ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो सारा जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें ना मैं सपोर्ट देता हूँ, सपोर्ट पॉइंट देता हूँ, रेजिस्टेंस पॉइंट देता हूँ, सारा चीज़ आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आज क्या हो सकता है, ये सारा ये मेरा व्यू दे देता हूँ। तो आपको वहाँ पर हर रोज़ जाके वहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखिए। ये मैं इसका लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को ना अगर अच्छी लगे ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करियो सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो।